आईएमसी दोस्तों, कई मेरे दोस्तों के कमेंट आए कि सर आप आईएमसी की ड्रेस क्यों नहीं डालते। बात तो सही है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं ग्रीन स्क्रीन पे वीडियो को रिकॉर्ड करता हूं और अपनी जो आईएमसी की टी शर्ट है वो ग्रीन कलर की है, तो ग्रीन कलर के होने के कारण जिस टाइम पे मैं क्रोमा की लगाता हूं, यानी कि अपने पीछे का जो ग्रीन बैकग्राउंड को हटाता हूं उसकी जगह पे कुछ और एडजस्ट करता हूं, तो वहां पे काफी हद तक अपनी टी शर्ट का कलर भी उड़ जाता है, फेड हो जाता है। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ दोस्त ये भी बोलेंगे तो आप पेंट कोट क्यों नहीं डालते। चड्ढा समझाओ इसे। अभी गर्मी स्टार्ट हो चुकी है तो पेंट कोट डाल के थोड़ी देर जब बोलते हैं, लाइट वाइट लगी होती है सामने, तो पसीना जल्दी आना शुरू हो जाता है। और अगर हम फैन चला देते हैं, हवा चला देते हैं, माइक के अंदर फैन की आवाज आना स्टार्ट हो जाती है, तो इसी के चलते मुझे व्हाइट शर्ट डाल के रखनी पड़ती है। मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुष निकला। लेकिन हाँ, आपने देखा नहीं शायद, ये बटन जरूर लगा हुआ मिलेगा। ए, फालतू बातों में वक्त बर्बाद मत करो। तो ये तो था उन दोस्तों के क्वेश्चनों का आंसर। अगर आप और भी कोई क्वेश्चन मुझे करते हैं तो उनके भी जवाब मैं वीडियो के अंदर देता रहूंगा, आप क्वेश्चन करते रहना। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। अब बात कर लेते हैं, क्या आपने पिछला हमारा वीडियो का पार्ट देखा? नहीं तो देखते क्यों नहीं भाई, जल्दी देखो, जिसमें हमने ऐप को शुरुआत से चलाना सिखाया गया है। वक्त बर्बाद मत करो। तो पिछले पार्ट में हमने सीखा डैशबोर्ड और ये जो 3 लाइनें हैं, यहाँ पे जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारे आईएमसी के ऐप के सभी ऑप्शन आ जाते हैं। तो पहला जो ऑप्शन है यहाँ पे होम वाला, होम पे जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे डैशबोर्ड आ जाता है। तो डैशबोर्ड का हमने पूरा प्रोसेस पिछले वाले वीडियो के अंदर कवर किया हुआ है। आई बटन पे आपको ऊपर लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को पहले देख लीजिए। उसके आगे हम बात कर लेते हैं दोस्तों ये बाकी सभी ऑप्शन के, जैसे कि होम के बाद डाउनलाइन, बीवी ट्रांसफर, इनकम, ई वॉलेट, रिपोर्ट, अकाउंट रिक्वेस्ट, स्पोर्ट, इनमें क्या क्या होता है। तो हमने पहले होम के अंदर भी केवल डैशबोर्ड को कवर किया था और डैशबोर्ड के आगे दोस्तों आता है क्वालिफिकेशन, ठीक है। तो अभी हम बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन की, कि डैशबोर्ड के नीचे ये क्वालिफिकेशन क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे अगर आपने कोई क्वालिफिकेशन की हुई है, जैसे हरिद्वार का ट्रिप हो गया, तो उसकी क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पे दिखाई देगी कि आपने कितना अचीव किया हुआ है, कब किया हुआ है, ठीक है। तो वो क्वालिफिकेशन के अंदर दिखाई देगा। उसके बाद आता है नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन के अंदर दोस्तों आपने कोई प्रोडक्ट अचीव किया हुआ है, जैसे ये ब्रेसलेट का यहाँ पे मैसेज आया हुआ है, इसका कोड आया हुआ है, तो ये यहाँ पे आपको दिखाई देता है। उसके बाद आता है केवाईसी डॉक्यूमेंट्स, यानी कि मैं आपको थोड़ा सा बैक करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये हम वापस होम पे आ गए और फिर से डैशबोर्ड पे आ गए, तो हमारा जो ये वाला पेज है इसमें मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है कि केवाईसी को आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। अगर ये ऑप्शन आपका यहाँ पे नहीं आ रहा है तो आप इसको होम में यहाँ पे जाके, मैं आपको वापस दिखा देता हूँ, होम पे क्लिक करके और फिर इसको होम को ओपन करोगे, उसके बाद यहाँ पे आप केवाईसी डॉक्यूमेंट्स में जाओगे तो यहाँ से भी आप इन्हीं सभी चीजों को अपलोड कर सकते हैं। जैसे कि आपने यहाँ पे फोटो डालना है, यहाँ पे आधार कार्ड का फ्रंट साइड डालना है, यहाँ पे आधार कार्ड का बैक साइड डालना है, ठीक है। अब मैं वापस ले चलता हूँ। आगे आता है बैंक केवाईसी, तो यहाँ से आप बैंक के डॉक्यूमेंट डाल सकते हैं। डालोगे कहाँ से, ये व्यू डॉक्यूमेंट्स है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके बैंक डॉक्यूमेंट्स का पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है दोस्तों ये माई डॉक्यूमेंट्स। माई डॉक्यूमेंट्स के अंदर आप जब क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे कोई भी आपका सर्टिफिकेट आया हुआ होगा तो वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 5000 बिजनेस वॉल्यूम करने वाला सर्टिफिकेट यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। किस डेट को आपका आया है नहीं आया है, वो सब यहाँ पे माई डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपको दिखाई देगा। आगे आता है प्रोडक्ट लिस्ट। अब बहुत सारे दोस्त पीडीएफ मांगने में लगे रहते हैं, लेकिन उनको ये भी पता होना चाहिए कि हम प्रोडक्ट की लिस्ट, उनका बीवी, उनका एमएल, उनका जो भी आपको देखना है, कितना प्राइस है, कितना एमआरपी है, वो सब यहाँ पे ऐप के अंदर भी देख सकते हैं। और यहाँ पे सभी कैटेगरीज है, जैसे यहाँ पे हेल्थ की कैटेगरी निकली हुई है, उसके बाद रेगुलर प्रोडक्ट की है, उसके बाद ये ऑफर प्रोडक्ट की है, तो ऑफर में कौन से प्रोडक्ट है वो यहाँ पे क्लिक करके दिखाई देंगे। रेगुलर प्रोडक्ट कौन से है, 508 है, ये कहां पे दिखाई देंगे। न्यू प्रोडक्ट कौन कौन से, वो यहां पे क्लिक करने के बाद दिखाई देंगे और नीचे उसकी ऐसे लिस्ट खुल जाएगी, ठीक है। आगे आपको अलग अलग कैटेगरी खोलनी है तो स्किन केयर यहां पे, पर्सनल केयर यहां पे, होम केयर यहां पे, अलग अलग कैटेगरी दी है, जो भी कैटेगरी आप देखना चाहे वो देख सकते हैं। इसके बाद आता है दोस्तों स्टोर लोकेटर। अगर आपको नहीं पता है तो स्टोर लोकेटर पे आप क्लिक करके यहां पे आप कोई भी स्टोर आप अपना देख सकते हैं अपने नजदीक का। जैसे यहां पे हरियाणा सिलेक्ट है तो आप यहां पे अपना कोई भी राज्य सिलेक्ट कर सकते हैं और वो राज्य सिलेक्ट करने के बाद उसके नीचे आप यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद आपको नीचे जितने भी यहाँ पे आपके स्टोर दिखाई देंगे या फ्रेंचाइजी दिखाई देंगी वो यहाँ पे आपको शो हो जाएंगी। तो उन सब का आप यहाँ पे साइड में करके एड्रेस भी देख सकते हैं, उनका फोन नंबर निकालना चाहे तो यहाँ पे व्यू कॉन्टेक्ट पे क्लिक करके फोन नंबर भी निकाल सकते हैं, किस जगह पे किस एड्रेस पे, वो सब कुछ यहाँ पे दिखाई देगा। आगे आता है माई परचेज। माई परचेज पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपने जिस जिस जगह से, जिस जिस आउटलेट या टीडी से परचेज की होगी,
होगी और कितने बीवी की होगी, किस डेट में की होगी, वो सब कुछ यहाँ पे दिखाई देता है। ठीक है, इसके आगे आता है दोस्तों माई ऑर्डर बुकिंग। तो यहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो माई ऑर्डर बुकिंग के अंदर आपने कहाँ कहाँ से ऑर्डर लगाया है, यानी कि जो चीजें आपने माई परचेज के अंदर देखी है लगभग सेम वही चीज यहाँ पे दिखाई देती है। आगे आता है प्रोडक्ट ऑफर, आपके प्रोडक्ट का क्या क्या ऑफर चला हुआ है, तो वो ऑफर आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। यहाँ पे ये आईडी काफी दिन से बंद पड़ी है इसलिए यहाँ पे कोई ऑफर शो नहीं हो रहा है। ठीक है, आगे आता है दोस्तों रजिस्टर। अब ये चीज आपने ध्यान से समझनी है, रजिस्टर पे आप जाके कोई भी नई आईडी लगाना चाहते हैं तो वो लगा सकते हैं। कैसे लगाओगे, जैसे आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे दो चीजें दिखाई देंगी। डायरेक्ट सेलर की अगर आप आईडी लगाते हैं तो आपने ग्रीन वाला बटन दबाना है। अगर आप किसी का प्रेफर्ड आईडी लगा रहे हैं, प्रेफर्ड समझ रहे हो ना, मैंने पहले भी बोला था कि किसी व्यक्ति को बिजनेस नहीं करना है लेकिन केवल प्रोडक्ट परचेज करने हैं, उसकी प्रोडक्ट की एंट्री उसको दिखाई देती रहे, तो उसकी यहां से रेड के ऊपर जाके प्रेफर्ड आईडी लगा सकते हैं। तो मैं तो यही कहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा अपना डायरेक्ट सेलर की ही आईडी लगाएं। तो इस पे क्लिक करके उसके बाद फिर से दो ऑप्शन आते हैं। पहले ऑप्शन में आपने ग्रीन वाला बटन दिखाई देगा, दूसरे ऑप्शन पे आपको रेड वाला दिखाई देगा, तो आपने फिर से ग्रीन वाला ही दबाना है। यहां से क्या होगा, जिस टाइम पे आप क्लिक करोगे तो सामने वाले का जिसकी आईडी आप लगा रहे हैं उसका मोबाइल फोन नंबर यहां पे डालना है और सेंड ओटीपी कर देना, तो उसके पास एक वेरिफिकेशन कोड जाएगा। वो वेरिफिकेशन कोड लेके आपने यहां पे टाइप कर देना है। यहां पे टाइप करने के बाद आपने इसको नेक्स्ट कर देना है। आगे जो जो भी प्रोसेस आते चले जाएंगे उन सभी प्रोसेस को आपने फील करते चले जाना है, जैसे कस्टमर का नाम, उनके पिताजी का नाम, वो सब कुछ यहाँ पे डालते चले जाना है और बाद में जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड जो भी वो सब कुछ डाल के आपने नेक्स्ट करते जाना है। आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, यानी कि जिसकी आईडी आप लगाना चाहते हैं वो लग जाएगी। तो आज हमने दोस्तों होम के सेक्शन को कंप्लीट कर लिया है। बाकी बहुत सारे दोस्त वीडियो को कंप्लीट देख लेते हैं लेकिन फिर भी वीडियो पे लाइक और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब नहीं करते। यदि आप इस प्रकार की नई नई अपडेट्स आईएमसी बिजनेस के बारे में जानना चाहते हैं तो जल्दी से इस वीडियो पे लाइक करके चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको नई नई अपडेट मिलती रहे। और मिलते हैं ऐसी ही किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, गुड आईएमसी।